जोधपुर के एयरपोर्ट थाना पुलिस ने एक बड़ी नकबजनी की वारदात का खुलासा किया है। साथ ही तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर नकबजनी के 13 लाख रुपए भी रिकवर किए हैं। मामले के बारे में बताते हुए डीसीपी डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में निजी टाउनशिप में रहने वाले जय किशन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वह परिवार के साथ पूना गए थे और जब 7 तारीख को वापस लौटे तो उनके घर में नकबजनी की वारदात हो चुकी थी। इस घटना के गंभीरता को हमने खूब गंभीरता से लिया और हमारे जो एडिशनल डीसीपी नाजिम जी और एसीपी देरावर जी, थाना अधिकारी भारत रावत जी, इन्होंने अपनी पूरी टीम को एक्टिवेट किया और उसके बाद जो लगातार काम किया हमारी टीम ने, उसकी वजह से आज हमने तीनों नकबजन जिन्होंने इस पूरी जो नकबजनी को अंजाम दिया था उनको गिरफ्तार कर लिया है। चोरों ने यहां से 20 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की 4 टीमें गठित की गई। एक टीम सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी तो वहीं दूसरी टीम पुराने आरोपियों की जांच में और अन्य टीमें तकनीकी मदद से बदमाशों का पता लगाने में जुटी। पुलिस की टीम ने मुख्य सरगना मोहम्मद अयूब को दौसा से गिरफ्तार किया, वहीं उसके साथ ही रूपेश और रमजान को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों बदमाश शातिर नकबजन हैं और उनके खिलाफ पूरे राजस्थान में कई जगहों पर मुकदमे दर्ज हैं। इन तीनों शातिर नकबजनों को पकड़ने में कांस्टेबल सुरेश, रमेश और कैलाश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।